मुझे बचा ले, कोई है? कोई है? कोई मेरी मदद करे। या अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, परवरदिगार अभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मैं कॉलेज जाऊंगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। तुम्हें मुझे बचा ले, आज के बाद मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। अबे इतनी खूबसूरत लड़की को कहां से लेके आया तू? बेहोश तो कर लेता कम से कम इसे। ये तो ऐसे खड़ी है जैसे जंग लड़ेगी अभी हमारे साथ। कौन से कॉलेज की है? गुलशन के कॉलेज से उठा है, लगता अभी अभी होश में आई है। ये ले पकड़, वीडियो बना, पहले मेरी बारी है। इसे सब पता है। अच्छी बात है ना, तावन करेगी अपने साथ, क्या ख्याल है? अबे पकड़, भाग गई। चल पकड़।
तो रह गई, अब लगूंगी ना मैं नजमा दुबई वाली। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, कितनी बार का है मम्मी बोला कर, छोड़ ना अम्मा। क्यों छोड़ूं? अरे हम कोई मामूली लोग थोड़ी हैं, पैसे वाले बड़े लोग हैं, मॉडर्न हैं। इस पूरे मोहल्ले में तेरे बाप के सिवा कौन है जो दुबई में नौकरी करता है? यहाँ तो सारे भिखारी रहते हैं, भिखारी। हम दुबई वाले हैं इसलिए दूसरों के सामने मम्मी बोला कर, मम्मी। अम्मा बाकी सब तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये मम्मी मम्मी मुझसे नहीं बोला जाता, तुम मेरी अम्मा ही हो। अच्छा वो अम्मा, वो 1000 रुपए का नोट तो देना। आशी, अभी कल तो दिया तुझे पूरा 500 रुपया। अम्मा वो तुम्हें पता तो है कितनी महंगाई हो गई है, कोचिंग सेंटर जाते जाते ही 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। और तुम्हारी बेटी की ना कोई इज्जत है अपनी क्लास में, अपनी सहेलियों में, नजमा दुबई वाली की बेटियों में, कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का मत मार, देती हूँ। और सुन, क्लास की लड़कियों से भी कभी कुछ खा लिया कर। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि पैसा वहां खर्च किया जाता है जहां से कोई फायदा हो। ये तूने जरूर उस मिस्कीन फरा पर लगाना होगा, है ना? अम्मा एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। अच्छा ठीक है ना, अब 3-4 दिन तक नहीं मांगूंगी सच्ची। अच्छा ठीक है, मैं तारिक रोड जा रही हूँ, नई वैरायटी आई है देखने के लिए है। अच्छा मेरे लिए भी देखना है? अच्छा अच्छा देख लूंगी, तेरे अब्बा का ड्राफ्ट आया ना आज। अम्मा वैन आ गई, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जा। अम्मा सुनो, मेरे लिए सारे शोक रंग लेना, कोई हल्का रंग ना लेना। अच्छा दरवाजा बंद कर लो, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। चले चले भाई, चल चलो भाई। बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, लड़के के पास कार होनी चाहिए और बैंक में अच्छी खासी रकम भी। अमीर हो भाई हमारी तरह के। अच्छा ठीक है, अगर तू नहीं रिश्ता लेकर आएगी ना तो मेरे पास मिसेस खान और मिसेस कुरैशी के भी बड़े रिश्ते हैं, उन्हें देख लूंगी मैं। एड्रेस? मेरा एड्रेस तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यहाँ पहुँच कर किसी से भी पूछ लेना कि नजमा दुबई वाली का घर कौन सा है, उंगली पकड़ के तुम्हें यहाँ छोड़ कर जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, चल ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज़। बाजी वो क्या है खालदा? बाजी वो अम्मा कह रही थी ना बाजी से 500 रुपए लेती भी आना। कौन से 500 रुपए हैं? अभी तो तेरा महीना भी खत्म नहीं हुआ, चल जा जाकर बाथरूम धो, फिर मुझे जाना भी है। काम ना काज की और मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांगती। चल अब जा भी, शकल देख रही मेरी। सलाम अलैकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आंटी नहीं कह सकता तू मुझे? बोल सकता हूँ, बोल के दिखाऊं आंटी। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया, थोड़ी तुझ पर मेहनत कर लेती ना तो आज को काम आती। तो खाला वो मेरी अम्मा तुम्हारी बहन भी तो है, तुमने समझाया नहीं उन्हें? मैं तेरी माँ के मुंह नहीं लगती, वो ठहरी बदतमीज औरत, और मेरी मेरी तो मोहल्ले में बड़ी इज्जत है भाई। मैं तो अच्छा लगता हूँ ना तुम्हें?
तू? हाँ हाँ तू तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आशी चली गई क्या? हाँ कब की? हाला आशी को बोलना वो बात ही नहीं करती मुझसे। अब आशी बात नहीं करती? मैं कहूंगी क्यों नहीं करेगी तुझसे बात। अच्छा सुन, ये मेरा बिल जमा करवा दे, आज आखिरी तारीख है, ठीक है? ठीक है। अच्छा अच्छा मेरी बात सुन, वो ऊपर पानी वाली टैंकी है ना, उसमें बड़ा कूड़ा जमा हो गया, वो भी जरा साफ करवा देना। है? हो जाएगी। अरे हाँ वो मुझे याद आया, वो नुक्कड़ वाला दर्जी है ना, उसके पास मेरे कपड़े हैं, उससे जाते हुए कह देना कि नजमा दुबई वाली के कपड़े दे दे, याद से। चला सारे काम हो जाएंगे, मैं अभी जाके करा देता हूँ। अरे वो आशी को बोलना वो मुझे पढ़ाए। तुझे पढ़ाए? अरे तुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है बेटा, तू तो पहले ही पढ़ा पढ़ाया है ना। चल शाबाश, जल्दी से बिल जमा करवा कर और मेरे सारे काम करके आना, ठीक है? हाँ हाँ। अबे सुन, पैसे तो लेता जा। हाँ पैसे। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और चला बिल जमा कराने। जमील मजा नहीं, छोड़ छाड़ के अपने। अरे बेटा तूने कहीं जमील को देखा है? अरे खाला किसी का बिल जमा करा रहा होगा। अरे तो हंस काहे के लिए रहा है, मैंने लतीफा सुना है। लतीफा तो आपका बेटा है खाला। लतीफा नहीं टोकन। जमील, जमील, अरे बहरा हो गया है क्या? जमील, जमील, अरे बहरा हो गया है क्या? सुनता क्यों नहीं है? अरे जमील रुक जा, रुक जा जमील, सुनता क्यों नहीं है? बहरा हो गया है क्या? बेटा बेटा तुम्हारी माँ बुला रही है पीछे। अम्मा नहीं, वो मुझे आवाज नहीं आई ना तो पता नहीं चला। हाँ हाँ तुझे तो पता नहीं चला, पता नहीं चला तुझे। दुकान पर नहीं गया? नहीं, देखो मुझे क्या बोल रहे हैं ये लोग। अरे दुकान पर नहीं गया, नजमा के घर गया था क्या? हाँ मैं दुकान गया था, दुकान बंद थी। दुकान बंद थी फिर तू नजमा के घर चला गया होगा? नहीं नहीं नहीं, देख कितनी मुश्किलों से तुझे दुकान पर रखवाया था, और ये जो तू सारे जमाने का दर्द अपने दिल में लिए फिरता है ना, ये कोई काम नहीं आएंगे तेरे जिनके तू काम करता फिरता है। इसका कोई कसूर नहीं है, इसका तो दिमाग ही खाली है माजदा, इसको जिहाद पे भेज दो जिहाद पे। हाँ दोनों मिलके ना मुझे दहशतगर्द बना दें आप लोग। चुप कर, सही कह रहे हैं वो, अगर तूने काम ना किया तो तुझे या तो मैं जिहाद पे भेज दूंगी या मदरसे में बिठा दूंगी। चल दुकान पे चल, मैं कह रही हूँ चल चल। तुम जा रहे हो ना अम्मा? चल चारी। साइमा एफएससी की स्टूडेंट थी, रोड एक्सीडेंट में उसकी कल रात डेथ हो गई। सारे लोग कह रहे थे कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इतनी दूर क्या लेने गई थी, हालांकि गुलशन में ही रहती है। डेट पे गई होगी। इस तरह नहीं बोलो फरा, वो अभी दुनिया में नहीं है। छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, तुम लोग क्यों अपना माहौल सोग बार कर रही हो। हाँ, सही कह रही है, छोड़ो। अच्छा ये बताओ आज पिज्जा कौन खिला रहा है? तैमूर से पूछते हैं। तैमूर? या, आई एम रेडी। खादिम हूँ आपका। Hello students, so today we will discuss about credit and debit.
बिल्किस, बिल्किस जी बाजी, ये देखो ये तो कितना प्यारा बच्चा है। हाँ बाजी, वाकई तो बहुत प्यारा बच्चा है। तुम्हारे पास भी कैसे बच्चे है? बाजी, हम गरीबों के पास कहाँ से आया ऐसा बच्चा? हमारे पास तो काले कलूटे सूखे बच्चे होते। अरे ऐसा खूबसूरत बच्चा हमारे यहाँ कहाँ से आएगा? ये तो गोरा चिट्टा बच्चा है। बाजी, मैं चूल्हे पे देखची रख के भूल गई, अभी आई। हाँ अस्सलामुअलैकुम अप्पा। क्या वो देखो कितना प्यारा बच्चा है। हाँ आप देखें, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। तैमूर का फोन आया था, उसको फोन करो, बार बार फोन कर रहे हैं। बहुत फजूल शख्स है, हर वक्त ऊन पटांग बातें करता रहता, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता। तुम्हारा कजन है? बहुत इडियट कजन है। वो शाम को तुम्हारे कुछ लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई है रिश्ते के लिए, वो देख लेना। ओके। तुम भी चलेगे मुझे छोड़ के? सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बंद करो ये, बंद करो, बंद क्यों नहीं होता? बंद करो इसको, पानी लेकर आइए, जल्दी जाइए प्लीज। जस्ट रिलैक्स, क्या हो गया आपको? बस बस बस, बहुत पुराना डिप्रेशन है, कोई गम इन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। बात अब काउंसलिंग से आगे बढ़ गई है, हमें इन्हें मेडिसिन पर लाना पड़ेगा। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें सुकून की जरूरत है। आप ख्याल रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें, अदरवाइज वो सुसाइड अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू डॉक्टर। Take care. मैं सजाऊं तेरे सर पर सेरा है? मैं सजाऊं? निकम्मे, तूने उसको पैटर्न लगाया, अस्तर लगाया और खड़ा यहां शादियां कर रहा है? नहीं नहीं, शादी थोड़ी कर रहे थे वो, फिर गंदे फैला शादी के फैला जहन में आ जाते तो वो आ गए थे, वो सोच रहा था। अरे तेरी माँ मिन्नत समाजत करके तुझे छोड़ के गई थी यहाँ पर के काम सीखे, एक तो तू फारिग बैठा है, देर से आया। अबे तू उसको कब तैयार करेगा? बस अभी थोड़ी देर के अंदर तैयार करके बिल्कुल स्पीड के साथ। दांत निकाल रहा है सर? तू वो खोटा सिक्का जो कभी नहीं चल सकता। अबे तेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे का अपना जाती वर्कशॉप हो, मगर मुझे लगता उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। नहीं उस्ताद, अब देख तू मेरी स्पीड क्या करना है बता। अबे कंप्रेसर को फाड़ निकालो, क्या करना है कल सब बता रहा हूँ तुझे मैं। ओह ओह, मेरा पैर तोड़ दिया।
हाथ कंगन को आरसी क्या? तुम्हारा बेटा तो पैदाइश ही खराब है। अगर मेरा बेटा खराब है तो उसे घर में क्यों घुसने देती है तू? क्यों ना घुसने दूं? 100 दफा आए, जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे जाए। देखो आपा, तुम मुझे अपनी सगी बहन समझो ना समझो, लेकिन उसे मैं अपना सगा भांजा समझती हूँ। हाँ, भांजा समझती है ना, तो ब्याह दे आशी को जमील से। अरे मैं 100 दफा लानत ना भेजूं उस पर। अरे तुम्हारा वो निकम्मा मनहूस बेटा, उससे अपनी आशी को ब्याहने से तो बेहतर है मैं उसे गोली मार दूं। पहली फुर्सत में गोली मार दे उसे, इससे पहले कि वो कोई गुल खिलाए और तेरा ये गुरूर हाथ में मिल जाए। मेरे चेहरे पे भी 4 आंखें, रोजाना उसे उठते बैठते आते जाते देखती हूँ उसके रंग ढंग। आपा, वैसे तुम अगर मेरी सगी बहन ना होती ना, तो इस वक्त मैं तुम्हें गोली मार देती। इंसान को सामने वाले को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाजन हूँ और अनकरीब हज करने जा रही हूँ। अरे तेरी तरह सड़कों पे मारी मारी नहीं फिरती सारा दिन। एक वो मुश्ताक है बेचारा, दुबई में कमा कमा के उसकी हड्डियां गल गईं, और इन माँ बेटी के फैशन ही पूरे नहीं होते। आपा, अब हद से बढ़ रही हो तुम। अरे हद से ना बढ़ू तो और क्या करूँ? साबरा बता रही थी कल तेरी छत पर पानी की टंकी साफ कर रहा था जमील, बिल वो भरवाता है, सौदा वो ला कर देता है, राशन वो डलवाता है, तूने क्या उसे नौकर बना के रखा है? अरे तो मना कर दो ना उसे कि यहाँ ना आया करे, मैं बुलाने जाती हूँ उसे। और वैसे वो तुम्हारा निकम्मा और बावला बेटा पूरे मोहल्ले के 100-100 काम करता है, अगर मैंने 4 काम उसे कह दिए तो कौन सी कयामत आ गई। फ्लर्ट कर रहे हो तैमूर तुम मुझसे? नहीं आशीफ, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। सुनो, ये सब बातें ना फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं, बस कर दो। मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत हो गई फजूल बातें। ये फजूल बातें नहीं है, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे अच्छा ठीक है, क्या कर सकते हो मेरे लिए तुम? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। सुनो, मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। पक्का? एक काम कर दो मेरे लिए, किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले जाओ, सख्त जरूरत है तुम्हें। आशी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। फरा चलो, उठो ना, जल्दी आओ, बस चलो। मैंने तुमसे झूठ कहा था आशी, मैं किसी गरीब से नहीं करोड़पति लड़के से शादी करूंगी, करोड़पति लड़के से। तो क्यों मिलना चाहते थे? अदिल भाई, वो मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो वो दरअसल वो मेरी क्लास फेलो है, लेकिन स्टेटस प्रॉब्लम है, वो हम लोगों से कम है। आप प्लीज़ अम्मी अब्बू से बात करें ना। यार पहले अपनी स्टडीज तो कंप्लीट करो। लेकिन अदिल भाई, उस वक्त तक आशी मेरे हाथ से निकल जाएंगी। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, अगर आप अम्मी अब्बू से बात करें तो शायद वो मान जाएं। नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना जिंदगी भर तुम मेरे सहारे के मोहताज रहोगे। अदिल भाई प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें ना। करता हूँ। खाना खाते हैं, चलो आओ। आओ। आओ।
कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कितनी दफा कहा है नॉक करके घर के अंदर आया करो। वो अम्मा मेरे पीछे लगी तो मैं छुप कर यहाँ पर आ गया। आशी मुझे ना तुमसे बात करनी है। क्या बात है फूटो। आशी मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बेटा ये प्यार व्यार ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। एक काम करोगे मेरा? हाँ हाँ करूंगा काम। फारिग हो ना? बिल्कुल फारिग हूँ मैं तो। वो तारिक रोड से जाकर मेरे टेलर से कपड़े ही ला दो। मेरा कोचिंग सेंटर का टाइम हो रहा है ना। हाँ हाँ मैं जाके अभी ले आता हूँ। आखिर मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ भैया। रुको रसीद लेकर आती हूँ। वैसे आज मेरा ना पढ़ने का मूड नहीं था। हाँ पता नहीं क्यों मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। कुछ खाएं? तूने ये चेन कितने की ली है? चेन? ओह ये सोने की चेन? ये अम्मी ने दिलाई है बर्थडे पे। अम्मी का तो बस दिल करता है हर वक्त मैं सोने में लदी रहूं। लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते ये चोंचले, सोना पहन के घूमना। जानती हो ना हालात कितने खराब हैं। तुम भी ना पहना करो। क्यों? किसी ने गन पॉइंट पे रख लिया ना तो कभी कान काट लेते हैं हाथ काट लेते हैं, पता चले गला ही काट लिया इस चेन के पीछे। छुपा के रखा करो ऐसी चीजें। छोड़ यार फरा, तू भी डराने वाली बातें कर देती है। अच्छा मुझे ये बताई मुनज़्ज़ा लोग किधर है आज? नेट कैफे। चल चल हम भी चलते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है। तुझे पता है अगर मुझे इंटरनेट का शौक होगा तो मैं घर पर नहीं लगवा लूंगी। तो क्या हुआ हम भी चलते हैं ना। मुनज़्ज़ा तो अरसलान के साथ होगी और वसीम और आलिया साथ होंगे और तैमूर वैसे ही तुम्हारे पीछे घूम रहा होगा। चलो चलते हैं हम दोनों अलग कैबिन में बैठ जाएंगे ना, मजा आएगा। इतने दिनों के बाद तो सब गए वहाँ। हाँ चल चलते हैं। अच्छा चल ठीक है फरा, ये मैं तुझे बता रही हूँ मुझे रोटी की साइड नहीं देखनी। हाँ ना चल जल्दी कर। मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा हम लोग भी आ गए। कीप इट अप। आशी आशी सुनो अभी यहाँ से चले जाते हैं। मूर अभी मेरा सर मत खाना। आशी मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। आशी मुझे आज और अभी तुम्हारी हाँ सुननी है। अरे पागल तो नहीं हो गए कहीं तुम? चल चल हम चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? पुलिस की रेड पड़ गई, वहाँ निकलो जल्दी निकलो वहाँ। जल्दी आओ यार। मैडम आइंदा उससे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, बल्कि मैं उसे तो कोचिंग सेंटर से भी छुट्टी करा दूंगी। जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो कहां से आती हैं कहां जाती हैं तब तो तुम जैसी मैं पूछती नहीं है। मैं आशी का कजन हूं और आशी का होने वाला मंगेतर भी। मंगेतर? ओ पकड़ो ये, ये खुदकुशी तो नहीं कर रहा है? ओ पकड़ इसको, पकड़ पकड़ पकड़। ओए क्या खुदकुशी कर रहा है? और डाल इसको मोबाइल में, यहाँ खुदकुशी कर, हमारा काम मुश्किल करेगा।